आदेश आदेश आदेश। 25 तारीख को काला अष्टमी है, हर मास आती है एक अष्टमी, ये एक अष्टमी दुर्गा अष्टमी होती है, एक अष्टमी काला अष्टमी है। मगर उसी दिन 25 तारीख को हो डे ऑफ द सी फरर, यानी जो दरिया में मुसाफिरी करते हैं उन लोगों की सलामती और उन लोगों की सेफ्टी के लिए, उन लोगों की जीवन की प्रक्रिया के लिए अभ्यास करना जैसा होता है। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं 15 दिन जमीन पर रहते, 15 दिन दरिया में रहते, कई लोग 6-6 महीने जमीन पर रहते, 6 महीने दरिया में रहते, ये अलग प्रक्रिया है। 2017 से इनके मान में ये दिन मनाया जाता है। 26 तारीख को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड लिटिक ट्रैफिकिंग 1989 से मनाया जाता है, 1989 से मनाया जाता है। ड्रग एब्यूज, ड्रग के द्वारा होती हेराफेरी, इसकी ट्रैफिकिंग, इन लोगों के जो समाज के लिए नुकसानदेह है, इनके लिए ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि समाज को इससे चेतने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें होती है बड़ा स्वरूप ले लेती है, यानी वो जरूरी है। 28 तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2004 से WHO के द्वारा मनाया जाता है। हेपेटाइटिस के कारण करीबन 1.5 टू 1.7 मिलियन लोग मर जाते हैं विश्व में, यानी करीबन 10 से 17 लाख लोग मरते हैं। तो ये इसकी प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई होता है, अलग अलग चीज के हिसाब से इसका मार्किंग होता है। 2004 से इसको मनाया जाता है, हमको भी अपने शरीर के बारे में, इसके बारे में जागरूकता। हेपेटाइटिस हमेशा लीवर की बीमारी के कारण होता है और इसको ध्यान रखना जरूरी। 29 तारीख को योगिनी एकादशी है। ये एकादशी मैंने कई दफे बोला है, एकादशी का व्रत करने का व्रत अलग होता है, मगर ये एकादशी चतुर्मास शुरू होने की एकादशी होगी, इसके बाद चतुर्मास शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ एक बात और भी है, ये कि अभी अभी एक योग दिवस गया, तो योग यानी तो चीजों का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग यानी ये आत्मा परमात्मा की ओर ले जाने की प्रक्रिया को योग बोला जाता है। ये जो आम करते हैं वो तो कसरत है, एक्सरसाइज है, मगर उसके द्वारा मन प्रफुल्लित रहता है, वो कसरत के द्वारा उसके द्वारा आत्मा प्रफुल्लित रहती है, तो उससे राहत मिलती है। इस वीडियो के साथ साथ इस सप्ताह से हर गुरुवार को आध्यात्म का एक और वीडियो आएगा, जो इसके बारे में आध्यात्म के विषय पे नाथ संप्रदाय, उदासीन संप्रदाय, इसके बाद एक एक संप्रदाय के बारे में बताने में आएगा, और वहाँ के उनके संतों के साथ भी मुलाकातें इस गुरुवार से रखी जाएगी। आप सबको उसको देखने का, शेयर करने का, ये चैनल जो संस्कृति से साथ जुड़ी है, माहिती प्रद है, उसको आपको लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना, ये आपकी फर्ज बनती है हिंदू धर्म के लिए। ये आपको विनती है कि आप ये करिए। अस्तु, शिवम भवतु। आदेश आदेश आदेश।